लू से बचने के 16 घरेलू उपाय। नंबर पहला, धूप में निकलने से पहले नाखून पर प्याज घिसकर लगाने से लू नहीं लगती। यही नहीं, धूप में बाहर निकलते वक्त अगर आप छिला हुआ प्याज लेकर साथ चलेंगे तो भी आपको लू नहीं लगेगी। नंबर दूसरा, लू से बचने के लिए कच्चे आम का लेप बनाकर पैरों के तलों पर मालिश करनी चाहिए। नंबर तीसरा, धूप में निकलते वक्त छाते का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर ढक कर धूप में निकलने से भी लू से बचा जा सकता है। नंबर चौथा, घर से पानी या कोई ठंडा शरबत पीकर बाहर निकले, जैसे आम पना, सिकंजी, खस का शरबत ज्यादा फायदेमंद है। नंबर पांचवा, तेज धूप से आते ही और ज्यादा पसीना आने पर फौरन ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर छठवां, गर्मी के दिनों में बार बार पानी पीते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। नंबर सातवां, पानी में नींबू और नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार पीते रहने से लू लगने का खतरा कम रहता है। नंबर आठवां, धूप में बाहर जाते वक्त खाली पेट नहीं जाना चाहिए। नंबर नौवां, सब्जियों के सूप का सेवन करने से भी लू से बचा जा सकता है। नंबर दसवां, गर्मी के दिनों में हल्का भोजन करना चाहिए, भोजन में दही को शामिल करना चाहिए। नंबर 11, नहाने से पहले जौ के आटे को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर बॉडी पर लगाकर कुछ देर बाद ठंडे पानी से नहाने से लू का असर कम होता है। नंबर 12, लू लगने और ज्यादा गर्मी में शरीर पर घमौरिया हो जाती है, बेसन को पानी में घोलकर घमौरियों पर लगाने से फायदा होता है। नंबर 13, लू लगने पर जौ के आटे और प्याज को पीसकर पेस्ट बनाएं और उसे शरीर पर लगाएं, जरूर राहत मिलेगी। नंबर 14, धूप के आने के बाद थोड़ा सा प्याज का रस शहद में मिलाकर चाटने से लू लगने का खतरा कम होता है। नंबर 15, गर्मी के मौसम में खाने के बाद गुड़ खाने से भी लू लगने का डर कम होता है। नंबर 16, टमाटर की चटनी, नारियल और पेठा खाने से भी लू नहीं लगती। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अंकित वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।